पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ को गुमशुदा बताकर इनाम रखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नाराज कांग्रेस विधायक ने पुलिस को शिकायत कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि ने पुलिस को की गई एक शिकायत में कहा है कि जमील याहक ने आपत्तिजनक पोस्ट कर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा जिला के सांसद नकुलनाथ को गुमशुदा बताकर उन्हें छिंदवाड़ा लाने वाले को 1100 रुपए का इनाम देने की बात कही है। विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि इस आपत्तिजनक पोस्ट से कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है और जमील याहक नामक व्यक्ति ने निवेदक में कांग्रेस नेता जमील खान का नाम लेकर भ्रम फैलाया है। एक ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है, कोई जमील असवी करके हैं जिन्होंने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के खिलाफ में भ्रामक प्रचार कर इस बात का उल्लेख उसमें किया है कि इन दोनों को यदि ढूंढ कर लाया जाएगा तो उसमें 1100 रुपए का हम इनाम दिया जाएगा। तो हम लोग ने इसके विरोध में आज खिलाफ यह कि एक ज्ञापन सौंपा है, चूँकि उसमें जो उसका जो फेसबुक अकाउंट हमने देखा था उसमें जमील असवी नाम लिखा हुआ है और उसने निवेदक में जमील खान नाम डाला है। तो निश्चित रूप से जमील खान जी हमारे साथी हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके नाम से इस तरीके का भ्रामक प्रचार किया गया है जिसका हम लोग ने विरोध किया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी लगातार निरंतर छिंदवाड़ा की जनता के लिए हमेशा जो मदद हो सकती है संभव मदद करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।